भारत आज देर रात चांद पर शोभयान उतारकर इतिहास रचने जा रहा है। चंद्रयान 2 मिशन के तहत विक्रम लैंडर को चांद पर आज देर रात उतारा जाएगा, इसे लेकर सभी उत्साहित हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों से अपील की है कि चांद पर विक्रम लैंडर को उतरते जरूर देखें। उत्तरी दिल्ली के महापौर अवतार सिंह ने आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अभियंत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम की विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि गंभीर उकसावे के बावजूद भारत संयम से काम ले रहा है, लेकिन अगर हमला हुआ तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वे भूल नहीं पाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत कभी भी आक्रामक नहीं रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह अपनी रक्षा करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने से हिचकिचाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो में महिला यात्रियों को मुफ्त सेवाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को लेकर दिल्ली सरकार से सवाल किया है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार से पूछा कि दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त मेट्रो सेवा क्यों। जस्टिस अरुण मिश्रा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे कदम से मेट्रो घाटे में चली जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ी चंडीगढ़ कोचुवली एक्सप्रेस की पिछली पावर कार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में किया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को UAPA कानून में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब है। याचिका में कहा गया है कि UAPA कानून संशोधन संविधान के खिलाफ है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम का नया ठिकाना एशिया की सबसे बड़ी जेल के तौर पर पहचान रखने वाली तिहाड़ जेल है, जहां उन्होंने बृहस्पतिवार को पहली रात काटी और शुक्रवार को अपने दिन की शुरुआत हल्के नाश्ते के साथ की। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात के कुछ दिनों बाद आपकी असंतुष्ट विधायक अलका लांबा ने शुक्रवार को कहा कि अब आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का समय आ गया है। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के लिए हाथ से चिल्लू बनाकर पानी पीने और दांतों को साफ करने के लिए दातुन या नीम की टहनी का इस्तेमाल करने की पुरानी भारतीय आदतों की ओर लौटने का सुझाव दिया। ये है DID में खबरें। अब तक इंतजार कीजिए कल तक।